हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सेहत का ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ नहीं है सेहत से बढ़कर। अच्छा दिखेंगे, अच्छी बॉडी रहेगी, फिट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, हर जगह अव्वल आएंगे। और बाकी चीज़ें कैसी होंगी? टक 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 टक, ठीक है। वैसे मैं देख रहा हूँ आप लोग टक 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 कर मेरा कमेंट में भी लिख रहे हैं आजकल। कोई बात नहीं, अच्छी बात। अब देखिए फ्रेंड, आज का वीडियो है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि लिथुवेनिया का जब TRP सक्सेसफुल हो जाता है तो कैसा मैसेज आता है। तो ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है वो। और नाम बताऊँगा नहीं फ्रेंड, नाम उनका मैं लाइव में बताऊँगा, उन्हीं का यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो लोग भी सक्सेसफुल होंगे आपको इस तरह का, एक बार देख लीजिए, इस तरह का आपको आता है मेल, ठीक है। ये देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए एक बार। मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऑन 2024/8/28, मतलब 28 अगस्त 2024 को अ डिसीजन वॉज मेड टू इशू, उसके बाद आपका नाम आएगा, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट फॉर 2 ईयर्स। मतलब आपने जितने भी साल के TRP के लिए अप्लाई किया था, वो डिसीजन यहाँ पे दिया जा रहा है 28 अगस्त 2024 को। अ डिसीजन वॉज मेड टू इशू अ टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट टू के बाद आपका नाम आएगा, फॉर द TRP ऑफ रिपब्लिक ऑफ लिथुवेनिया फॉर 2 ईयर्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशूड परमिट कैन बी ट्रैक्ड बाई लॉगिंग इन टू योर पर्सनल मिग्रिस अकाउंट। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखिएगा तो आपको पर्सनल मिग्रिस अकाउंट में आप लॉग इन करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा मैसेज आपको आ गया है तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्ले बल्ले, सब कुछ ठल्ले ठल्ले, सब सही है एकदम, ठीक है। और आपका TRP आपको इशू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। LLG मस्ट बी कलेक्टेड बाई द फॉरनर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। फॉरनर्स हैव टू कलेक्ट देयर TRP विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द डिसीजन इज मेड। इन अटेंशन, वी इन्फॉर्म यू दैट अपॉन अराइवल इन लिथुवेनिया, ऐसे करके और भी डिटेल यहाँ पे आती है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको 3 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया है, 5 महीना हो गया है, उनको ये मैसेज नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। आप पहले तो प्रोसेस समझिए, प्रोसेस क्या होता है। आप VFS का जहाँ भी सबमिट करते हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, आपने थाईलैंड में सबमिट किया, फिलीपींस में सबमिट किया, जैसे ये जो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं इन्होंने फिलीपींस में सबमिट किया था। आप जहाँ भी सबमिट करते हैं, अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपकी जो फाइल है वो घूम के किधर आएगी? वो आएगी लिथुवेनिया एम्बेसी दिल्ली में। तो इसका मतलब आपका TRP इशू कौन कर रहा है? लिथुवेनिया एम्बेसी दिल्ली। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है। जिन लोगों को भी 90 डेज से ऊपर हो गया है, आप लोग क्या करिए, आप लोगों के पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि एम्बेसी ऑफ लिथुवेनिया ही डिसीजन लेती है कि आपको TRP देना है कि नहीं देना है, पूरी फाइल की प्रोसेसिंग वहाँ पे होती है। तो आपको एम्बेसी ऑफ लिथुवेनिया को ईमेल करना है। अब ईमेल कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और कौन सी ईमेल आईडी, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ऑफिशियल एम्बेसी के पेज से दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए, ये आ गए हम यहाँ पे, ऑफिशियल एम्बेसी के पेज पे आ गए हम। अगर आप देखिएगा तो ये आपका ऑफिशियल एम्बेसी का पेज है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल एम्बेसी का पेज है इधर, ठीक है। यहाँ जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। आपको उस ईमेल आईडी पे मेल करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मैंने काफ़ी लोगों को बताया है जिन्होंने मेरा गाइडेंस पैकेज लिया हुआ है, इनको मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है, council.in1@urm.lt, उस पर आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी में देखिए फ्रेंड्स, आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आएगा, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। उस ईमेल आईडी पे बेसिकली आपको लिखना है, रेस्पेक्टेड काउंसिल ऑफिसर, माई नेम इज़ सो एंड सो, आई हैव अप्लाइड फॉर अ लिथुवेनिया TRP एट VFS, जिस भी VFS पे आपने अप्लाई किया है उस VFS पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ईमेल आईडी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे 2 ईमेल आईडी हैं, ये वाली दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो ये वाली है, ये सेकेंड वाली जो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखिए council.in1@urm.lt,
ये देखिए ये वाली council.in1@urm.lt, आप देखेंगे किसके लिए है ये, फॉर काउंसलर इंक्वायरीज के लिए है, ठीक है। इसके पहले देखिए एक और ईमेल आईडी है, वो जनरली एम्बेसी के लिए, ये वाली देखिए, ये एम्बेसी वाले जो दिक्कत हो रही है आपको, लेकिन इसके लिए आपको किस पे करना है, ये जो काउंसिल वाली है इस पे करना है। थोड़ा सा इधर कर दूँ, ये देखिए अभी सीध गया, ये council.in1@urm.lt, आपको इस पे क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड काउंसिल ऑफिसर, माई नेम इज सो एंड सो, आई अप्लाइड फॉर अ TRP एट VFS सो एंड सो, इट हैज़ बीन मोर देन 90 डेज, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन और एनी अपडेट ऑन माई मिग्रिस अकाउंट, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट an update regarding my TRP application may be given to me. Yours faithfully, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर। इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन सा अटैच करना है, जब आप VFS गए होंगे सबमिशन करने के बाद, उसके बाद आपको एक पर्ची मिली होगी, वो पर्ची आपको इसमें अटैच कर देनी है, ठीक है, ताकि एम्बेसी को पता चले कि हाँ भाई VFS सबमिशन हुआ था, बायोमेट्रिक्स हुआ था, फिंगरप्रिंट हुआ था, 90 दिन हो गया है उसके बाद भी नहीं मिला। एक लाइन मेल में और ऐड कर दीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू, माई इंटरव्यू फॉर लिथुएनिया TRP वॉज टेकन बाई द लिथुएनियन एम्बेसी न्यू दिल्ली ऑन सो एंड सो डेट, मतलब आप ये भी बता रहे हैं कि मेरा लिथुएनिया एम्बेसी का इंटरव्यू भी हो चुका है, ठीक है, इंटरव्यू हो चुका है, 90 डेज जो ऑफिशियल लिथुएनिया मिग्रिस के हिसाब से डेज हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा TRP आया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तरीका है, मैंने आपको बता दिया TRP जब आता है तो कैसा दिखता है। अगर आपका TRP 90 डेज तक नहीं आया है उसके बाद क्या करना है, जिन लोगों को 90 डेज नहीं हुआ है प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि ऑफिशियली लिथुएनिया गवर्नमेंट बोलती है कि 90 डेज तक आपको वेट करना है, तो वेट करना है, उसके बाद अगर नहीं आया तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए, बाय बाय।